तुम्हें यकीन है उन्हें आज भी यही खाने से कोई एतराज नहीं होगा? बिल्कुल, तुमने कल रात देखा था ना, उन्हें मेरा स्पेशल भरता ओल्ड स्टाइल बहुत पसंद आया, उन्होंने दो बार खाया उसे। हेलो दोस्तों, आज हम शेफ्स ने बनाया है आपके लिए स्पेशल। तुम सबका हुआ क्या है? कल रात जो बजट के बाहर खाना खाया है वो हजम नहीं हो पाया। मिगेल के पेट में डिशम है, मिगेल को दर्द हो रहा है। नहीं, मेरे स्पेशल भरते से ये नहीं हुआ है, उसमें तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें थी। बासी मक्खियाँ सिर्फ 2 या 3 महीने पुरानी, उसके साथ गीले चिपचिपे कैटरपिलर्स और कीड़े। ये है हमारा ओल्ड स्टाइल। जरा इन्हें चुप रहने को कहोगे, इनकी बातें मुझे हजम नहीं हो रही। फर्स पुकार रहा है, हम जंगल बंच। यकीन नहीं होता मैं ये कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैं इस मिशन पर जा पाऊंगा। बी पॉजिटिव, मैं और बॉब जाकर देखते हैं कौन आया है। ठीक है। फुल जॉब दूसरे। सॉरी पर एक्चुअली आज जंगल बंच यही है तुम्हारे सामने। तो तुम दोनों तुम ही जंगल बंच हो? अजीब है, मुझे लगा था और भी होंगे पर नहीं है। जानता हूँ, हमेशा ऐसा होता है, सब हमको देखकर चौंक जाते हैं। तो बताओ मेरे दोस्त, क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? ठीक है, मैं हूँ फर्डिनेंड और कुछ दिन पहले मैंड्रिल्स ने मेरा गुड लक स्टैचू चुरा लिया और तब से मुझे बैड लक ने घेर लिया है। अब मैं क्या करूँ? फिक्र मत करो, हम जल्दी तुम्हारा स्टैचू ढूंढ निकालेंगे, है ना बॉब? वेल, इसे हमारी मदद की जरूरत है बॉब, आज हमें कुछ करके दिखाना होगा, हम है जंगल बंच। ठीक है, क्या बॉब गंदे मैंड्रिल्स को डिशम डिशम करेगा? बिल्कुल बॉब, तुम जितना चाहो उसे डिशम डिशम कर लेना। डिशम डिशम डिशम। अच्छा फर्डिनेंड, हम बस अभी वापस आते हैं, तुम यही इंतजार करना और उसके बाद हम साथ में चल पड़ेंगे। तो किसे जंगल बंच की मदद चाहिए थी? किसी को नहीं, एक्चुअली बस एक हिप्पो था जो रास्ता भटक गया था और हमने उसे सही रास्ता दिखा दिया और फिर वो चला गया। चलो अब तुम सब यहाँ पर आराम करो, हम दोनों साथ सैर करके आते हैं। देखना बेटा, एक महान टाइगर वॉरियर मतलब कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ध्यान से फर्डिनेंड, हमारे निकलने के बाद कम से कम तुम्हें 12 बार चोट लग चुकी है। मैंने कहा था ना, यही सबूत है कि मेरे स्टैचू के जाने के बाद बैड लक मेरे पीछे पड़ा है। मूंगफली मूंगफली मूंगफली, आई लव मूंगफली। देखा ना, आखिरकार तुम्हारा लक बदल गया, इस इलाके में मूंगफली मिलना बहुत मुश्किल है। अटक गई अटक गई। ये तो काफी लंबा रास्ता था, और प्लीज मुंह में मूंगफली मत ठूसो, मैं फिर से तुम्हारे मुंह को छूना नहीं चाहता। फिक्र मत करो, मुझे मेरा स्टैचू वापस मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। ओ देखो वो रहा वहां। मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ एक पहरेदार है, वो भी काफी हट्टा कट्टा। ठीक है, सोचने दो सोचने दो। वो छत्ता वेपम आर्ब्रम, शायद मुझे हल मिल गया है। वेल, मेरा मतलब एल, तुम जितना होशियार तो और कोई नहीं होगा। बस करो बॉब, बहुत हो गई बेकार की बातें, अब ध्यान से देखो फर्डिनेंड, इस जंगल बंच का कमाल। बहुत अच्छा, अब स्टैचू लिया जाए। ये तो बहुत ही आसान था। स्टैचू फेंको, मैं रस्सी डालकर तुम्हें निकालता हूँ। थैंक यू लूजर्स, मेरा बैड लक तो कभी नहीं था पर एक्टर अच्छा हूँ, मैं सालों से स्टैचू को चुराने की कोशिश कर रहा था, चलता हूँ। लगता है आल उसने हम दोनों को बद्दू बनाया। हमारे देवता बाटू बाटू का स्टैचू कहाँ है? हमने नहीं किया, हमें फंसाया है, ये मियाकैट फर्डिनेंड का काम है, उसने झूठ कहा। हमें जाने दीजिए और हम जल्दी ही आपका कीमती स्टैचू ढूंढकर वापस लाएंगे, हम वादा करते हैं। हम हैं जंगल बंच। जंगल बंच,
मुझे लगा था तुम ज्यादा होंगे और हम कैसे मान ले कि छोड़े जाने के बाद तुम स्टैचू लेकर वापस आओगे। मैं इनके साथ जाऊंगा, भरोसा रखो, मैं स्टैचू लाए बिना वापस नहीं आऊंगा। ये नामुमकिन है, हमने हर जगह देख लिया, वो कहाँ चला गया, कहाँ? मैं तो उसे ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। वहाँ देखो मूंगफलियाँ, बस उनके पीछे चलते रहो और मुझे यकीन है कि वो हमें सीधे फर्डिनेंड तक ले जाएंगे। तुम कितने होशियार हो एल, अब जल्दी ही बदमाश को डिशम डिशम कर पाएगा। डिशम डिशम डिशम। ये मेरे कलेक्शन की सबसे खूबसूरत चीज है। मैंने देखा उसने वो संदूक कैसे खोला। तो मेरे दोस्त अब फिक्र छोड़ दो, ये काम आसानी से हो जाएगा। लगता है ये काम इतनी भी आसानी से नहीं होने वाला है ना। मेरे पास इसका हल है, बस उन स्पाइडर्स के आर पार जाने की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लो, वो एक लाइन में चल रहे हैं, ऐसा वक्त होना ही चाहिए जब रास्ता क्लियर होता होगा। 1274 1273, तैयार हो, 1275, जाओ। मैं कमिंग। ये क्या? ये तुम्हें क्या हो रहा है? तो ये है तुम्हारा जंगल। काश कि गिलबर्ट यहाँ होता, उसे इसका हल पता होता। गिलबर्ट? ये गिलबर्ट कौन है? जंगल मंच का एक पुराना मेंबर जो अब रिटायर हो चुका है। बाप जल्दी कुछ करो। मिगेल का पेट खराब, मिगेल आज के बाद कभी कुछ नहीं खाएगा। मिगेल बी पॉजिटिव, हम जल्द ही ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। हेलो दोस्तों, मैं एक सलाह लेने आया हूँ। मैं एल के साथ सैर कर रहा था कि अचानक हमें एक दोस्त का दोस्त दिखा जिस पर एक ऑरेंज स्पाइडर ने हमला किया था, तभी से वो बस फूलता ही जा रहा है। क्या तुम्हें पता है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तुम्हारा वो दोस्त शिकार बना है मैंड्रेक बेलाकोरम का, जो दिखने में ऑरेंज होता है, उसका डंक खतरनाक नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही इलाज है, मैंगो जूस। थैंक यू दोस्तों, हमारा काम होते ही हम वापस आ जाएंगे। देखा ना, मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगा। तो एल कहाँ है? थैंक्स बॉब, आओ मेरे गले लग जाओ। जाओ, तुम बहुत चिपचिपे हो। भूल गए हो तो याद दिला दूं कि तुम्हें अब भी एक स्टैचू हासिल करना है। ओके मेरे दोस्त, अभी हो जाएगा। तो बॉब, इसका एक हल है मेरे पास, हमें एक डायवर्जन बनाना होगा जिससे सारे स्पाइडर्स एक कोने में हो जाएं। वेल, मैं सोच रहा हूँ वो कैसे। वाह, बात बन गई, उम्मीद है पानी ज्यादा ठंडा नहीं होगा। ये हो ही नहीं सकता, किराना पसीने की कमी थी। काश मॉरिस यहाँ होता, वो जरूर कोई हल निकाल लेता। डरो नहीं यार, मैं कुछ करता हूँ। फिर से हेलो मेरे दोस्तों, मुझे और थोड़ी सलाह चाहिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम शांति से तड़प भी नहीं सकते क्या? एक्चुअली हमारे उस दोस्त के दोस्त की एक चीज पिराना से भरी हुई नदी के दूसरे किनारे पर रह गई है। फिर तो तुम्हारे उस दोस्त की टिकट कटी समझो। वैसे अगर वो पानी से नहीं जा सकता तो उसे हवाई रास्ता अपनाना चाहिए। हवाई रास्ता? पर कैसे मॉरिस, हम ये कैसे करेंगे? मुझे पता है कैसे। तैयार हो जाओ, शायद इसमें थोड़ा दर्द होगा। राइट में मुड़ो एल, बस थोड़ा सा। हाँ बस इतना काफी होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी इस मिशन पर मुझे ये सब करना पड़ेगा। डरो नहीं एल, मैं कर लूंगा। क्या? मेरा स्टैचू, वो मेरा स्टैचू चुरा रहे हैं। थैंक यू, बाद में मिलते हैं। मेरा स्टैचू। ओह
शायद स्टैचू के बिना सच में उसका बैड लक शुरू हो जाता है। तुम दोनों का जवाब नहीं, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम ये कर लोगे। well, मेरे दोस्त, यहाँ पर सब हमें जंगल बंच यूं ही नहीं कहते। शुक्र है हम सब ठीक हो गए, है ना जूनियर? मिगेल को भूख लगी, मिगेल को केला खाना है। अच्छा है कि तुम्हें भूख लगी है मिगेल। हम शेफ ने खास तुम सबके कमजोर पेट के लिए एक नई रेसिपी बनाई है। हमने बासी कीड़ों के बजाय इसमें डाले हैं सूखे हुए कॉकरोचेस।